तो कॉलेज के साथ है तो स्टूडेंट तो यूनिवर्सिटी के अंदर ही आते हैं, उनकी मार्कशीट पे तो राजस्थान यूनिवर्सिटी लिखा हुआ आता है। अपन जबरदस्ती कॉलेज वाले तो जो मर्जी कह देंगे ये ऐसे थोड़ी करने देंगे। तो भी अपना कमेटी का मतलब क्या है, जब कॉलेज वाला जो मर्जी है वो कर रहा है, ये तो आगे नहीं है। हमने वेरीफाई किया, रिकॉर्ड के अंदर तो रजिस्टर में जो मर्जी है वो लिख देगा। आप उसके सीसीटीवी भी तो चेक करो ना, वहाँ सीसीटीवी लगे हुए। कॉलेज में समय कितना लग गया, आप एक एक डिसीजन पे इतना टाइम लगाओगे तो फिर तो स्टूडेंट की साल खराब हो जाएगी। क्या उलझा हुआ है इसके अंदर, मेरे को आप बता दो। वो कॉलेज के लिए आए नहीं, वो स्टूडेंट कह रहे हमारे बराबर सारे स्टूडेंट की क्लास लगे, कुछ नहीं पास करें। कोर्ट ने लिख दिया कि फॉर्म एलिजिबल, अगर लीगल ऑप्शन में नहीं लेंगे तो कल जवाब कौन देगा यूनिवर्सिटी का कि फॉर्म एलिजिबल। अगर ये सब मैं एक नई बात आ गई, मेरी बात आप सुन लीजिए। जब आपकी मीटिंग हुई थी, जब आपके अंदर डिसीजन लेने का ये पावर है तो ये क्यों कोर्ट के चक्कर काटे? स्टूडेंट पढ़ेगा लिखेगा, कोर्ट के चक्कर काटेगा? मेरे को ये बता दो, कोई ये नौकरी की लड़ाई लड़ रही है तो कोर्ट जाना जरूरी है इनका? भाई हमारे पास रिपोर्ट में आ गया ना, डिटेल्स ये कहता है कि कोई बच्चा अगर उपस्थिति कम है तो वो कक्षा में नहीं बैठ सकता। अब ये कहता है, मान ली मैंने आपकी बात, आपकी भी तो 75 की बात होती है यूनिवर्सिटी की, यहाँ तक कितने परसेंट स्टूडेंट आ रहे हैं? अगर एक बात अगर हेड लिख के दे देना कि नहीं आया तो हेड ने क्लास कितनी ली, ये मायने नहीं रखती है। वो सब हेड ली कितनी वो मायने रखता है, नहीं हेड ने खुद ने क्लास कितनी ली इसका कोई मायना नहीं है, पर हेड ये लिख के दे देगा उसके मायने होंगे। तो दरअसल की चीजें नहीं हो सकती। तो इन स्टूडेंट के साथ मेरा यही पूछने का है, इनके साथ क्यों नहीं आएगा? जब आपको सारी चीजें पता है वाकिफ हो तो फिर इनके साथ क्यों नहीं आएगा? प्रैक्टिकल चीज और प्रैक्टिकल चीज में अंतर होता है ना, ये प्रैक्टिकल आपको भी पता है। कितने कॉलेज वाले कितने स्टूडेंट के साथ ये कर रहे हैं कि आप हमारे को ऊपर से पैसा नहीं दोगे तो हम आपकी अटने छोड़ भेज देंगे। वो हवा वही बता है, वो रिपोर्ट हो तो उनके भी एडमिशन सरकार इसको ये बच्चे एग्जाम लेने चाहिए। ये बच्चे क्या करने चाहिए, एग्जाम लेने चाहिए। नहीं देंगे नहीं देंगे तो या तो आपकी इसकी कन्वीनर रिपोर्ट छोड़ देना, नहीं तो इसका समाधान निकाल दे। भाई आप प्रेशर नहीं चल सकते ना, लोग आपको फोन करके दबाते ही तो है। उसने मेरे को किस सोच से फोन कराया है? प्रेशर से काम हो रहा है क्या? प्रेशर से ही तो होगा ना, इतना टाइम हो गया। मैंने आपको तीन बार बोल दिया सर, मैंने आज से पहले तीन बार बोल दिया इसका डिसीजन मीटिंग हो गई हमारी, हमने ये कर दिया, उसने भी अरे किया क्या? धरातल पे आप कुछ करते ही नहीं हो, इसके बारे में कर सकते हैं। ये बैस हो गए, मैं एक ही बात कह रहा हूँ, ये बच्चे एग्जाम देने की ठीक है।